सिक्स्थ क्लास आपका पार्ट नंबर है 4 कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर्स कि जैसे 5 -5 × 25 × -27 × -4 ठीक है। तो पहले आपने सबसे पहला स्टेप क्या करना कि सभी माइनस जितनी है जैसे 1, 2, 3 माइनस थी बाहर क्या लिख लेना -1 की पावर जितनी माइनस होगी उसकी उतनी पावर लिख लेना जैसे 1, 2, 3 मैंने 3 लिख दिया ठीक है। अब मैंने उस दिन बताया था कि अगर पावर ऑड होगी जैसे 1, 3, 5, 7, 9 up to 7 पावर ऑड होगी तो आंसर नेगेटिव आएगा। अगर पावर 2, 4, 6, 8 and 10 up to 7 ईवन होगी तो आंसर क्या आए ना पॉजिटिव। अगर ऑड होगी तो आंसर नेगेटिव। अब देखो -1 की क्यूब मैंने बाहर निकाल लिया। पहले देखो कौन सा स्टेप ईजी लग रहा है। जैसे 25 को अगर मैं 4 से करूँ हमें क्या मिलेगा 100 मिलेगा। तो 100 को अगर मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं चाहे जो जितना मर्जी बढ़ाओ डायरेक्ट 2 0 पीछे आए नहीं, इसलिए मैंने 27 से किया 2 0 पीछे आ गए। अब 27 को मैंने 5 से करूँगा सिर्फ कितना आएगा मेरे पास 135, तो 2 0 जो होगी उसके पीछे लग जाएंगे ठीक है। इस तरह आपने देखना इसमें से कैसे आपको पॉसिबिलिटी ईजी की दिख रही है वो यूज़ करनी ठीक है। जैसे मुझे लिख रहा है 25 × 4 100 100 को जैसे मर्जी मल्टीप्लाई कर दो उसके पीछे आए ना ठीक है। 27 × 100 उसके पीछे 2 0 आ गए, उसको 5 से किया उसके बाद ये आ गया। तो आंसर देखो पावर ऑड थी आंसर क्या आ गया नेगेटिव ठीक है। उसी तरह दूसरा सम है जैसे 7 -13 -17। अब देखो 1 और 2 दो नेगेटिव है, -1 की पावर 2 ये क्या बन जाना आगे जाके क्या बन जाएगा पॉजिटिव बन जाना। तो पहले मैंने 7 को 13 से किया 91 को 70 से किया 1547, इसको 109 से किया ये बन गया ठीक है। इस तरह आपने चेक करना जितनी पावर होगी नेगेटिव उतनी निकालनी बाहर 1, 2, 3 -1 की पावर 3 निकाल ली तो पावर क्या है ऑड आंसर क्या आए ना नेगेटिव। अगर यहाँ पर एक और माइनस होता 4 माइनस बन जानी तो पावर क्या आई नहीं -1 की 4 वो क्या बन जाना था पॉजिटिव ठीक है। इस तरह आपने चेक करने सभी समय।